जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये है SSC GD या NTPC RRB, अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आज रीजनिंग के जो 25 मोस्ट क्वेश्चन हैं जो पिछले पेपरों में आए हुए वो क्वेश्चन हैं, तो इनको हल करेंगे हम। 25 क्वेश्चन हैं, इनको हल करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको इससे काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अब करते हैं हम क्वेश्चन हल। दोस्तों, पहला है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखलाओं में अगले स्थान पर आएगी। मतलब ये तीन श्रृंखला दी हुई है, इसमें अगले स्थान पर इनमें से कौन सी आकृति आएगी, तो दोस्तों ये आपको डिसाइड करना है। तो देखिए इसमें क्या खास बात है दोस्तों, पहली है इसमें देखो गोले के बीच में एक लाइन है, दूसरे में गोले के बीच में दो लाइन है, तीसरी जो आकृति है इसमें तीन लाइन है, तो इसका मतलब है चार लाइन बनने वाली। इसमें देखिए जो नीचे का बॉक्स है इसमें दर्पण प्रतिबिंब की तरह है कि पास पास में बना, लेकिन इसमें देखिए आप एक खास बात है, इसमें नीचे की तरफ खाली है और इस छोटे वाले बॉक्स में ऊपर की तरफ खाली है। तो जिस प्रकार से ये नज़दीक नज़दीक है और इसमें क्या होगा, ये इधर है तो अगला जो होगा वो इस साइड में आएगा दोस्तों डब्बा, और एक लाइन बढ़ जाएगी तो इस साइड में आएगा। तो इनमें से आप देखिए कि कौन सा डब्बा इसकी पूरी फिल फाइल करता है, तो आप डी ऑप्शन देखिए एक बार दोस्तों, जो डी ऑप्शन है इसको देखिए। डी ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो डी ऑप्शन में आप देखिए कि ये डब्बा है, इसी प्रकार से चौथा राउंड वहाँ जाएगा और चार लाइन है, तो इसका आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा डी। तो डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी, यानी इसमें 3:67 समानुपात 6, यानी अगला पद क्या आएगा दोस्तों, तो आप इसका पता करिए क्या है। देखो इस दोस्तों इसमें क्या किया गया, सीधा सा आप अनुमान लगाना है कि अगर देखिए क्या है कि 3:67 यानी इसमें कुछ ना कुछ क्यूब हो रखा है, तो 3 से अगला पद क्या होता है दोस्तों 4, और 4 का क्यूब कितना होता है आपको पता है, 4 का क्यूब होता है 64। अगर 64 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 67। उसी प्रकार 6 से अगला पद क्या है 7, और 7 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 343, और 343 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 349, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, गगन ने अमित की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, उसकी बहन की माँ का पति मेरी बेटी की माँ के पति का पिता है, अमित का गगन से क्या संबंध है। दोस्तों इसमें देखिए उसका क्या संबंध होगा, गगन ने किसकी तस्वीर की ओर इशारा किया दोस्तों, अमित की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कि उसकी बहन, उसकी जो तस्वीर में उसकी बहन यानी अमित की भी बहन हो गई वो, उसकी बहन की माँ यानी उसकी अमित की भी माँ का पति यानी अमित का पिता मेरी बेटी की माँ यानी मेरी जो बेटी है यानी माँ यानी मेरी पत्नी का पति का पिता है यानी मेरा पिता है, तो इसका मतलब उनका बीच में रिश्ता क्या हो जाएगा दोस्तों, वो दोनों भाई भाई हो जाएंगे, ठीक है। वो लास्ट में उसको ये बोल रहा है कि मतलब मेरी पत्नी के पिता पति यानी मैं का पिता है, यानी उसका पिता और अमित उसका बेटा है, तो यानी दोनों वो क्या हो जाएंगे दोस्तों भाई भाई हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं पासा का, लेकिन आपको अगर नहीं पता है तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। देखिए एक पासे की दो अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है जिसमें 6 फलकों में 1 से 6 तक की संख्या है, संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी आएगी। देखिए दोस्तों सबसे इसमें एक खास बात ध्यान रखना आपको, अगर इस प्रकार का ये इजी टाइप का दिया हुआ है इसमें क्या करते हैं दोस्तों, देखिए एक जो इसके पास में होता है वो अपोजिट नहीं हो सकता, तो एक फलक के विपरीत अगर मुझे बताइए जो नज़दीक होगा वो दूर तो नहीं हो सकता ना, अपोजिट नहीं हो सकता। तो देखो पहले एक अपोजिट पहुँचा, तो एक के पास में कौन कौन सा है 4 और 5, और इधर एक के पास में 6 और 3, तो बच कौन सा गया है 2, तो 2 हो जाएगा इसके अपोजिट यानी सी इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं एग्जाम में। इसमें क्या लिखा हुआ है, उस विकल आकृति का चयन करें जिसमें आकृति एक्स यानी जो आपको ये आकृति दी गई है, ये आकृति इनमें से कौन सी आकृति में है। देखिए दोस्तों इस आकृति को अच्छे से देख लीजिए, और घुमाने की अनुमति नहीं है यानी किसी भी आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, तो ये आकृति आप अच्छे से देख लीजिए, और उसके बाद में आप डी आकृति देखिए, जो डी आकृति है उसमें ये पूरी की पूरी आकृति आप अच्छे से देख लीजिए, इसमें जो डब्बा इधर डी में भी है यानी टोटल की टोटल डी से मिक्स होती है, तो यानी इसका आंसर है डी दोस्तों, ये आकृति डी में मिक्स है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आकृतियों में कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज़ को काटने जाने की विधि दर्शाई गई है, पुनः खोलने के ऊपर कागज़ पे कैसा दिखाई देगा। देखिए दोस्तों पहले कागज़ को इस प्रकार से फोल्ड किया गया, मतलब 1 फोल्ड किया गया, उसके बाद में
टू फोल्ड, यानी कागज पे चार फोल्ड किए गए। उसके बाद में यहाँ पर ये दो छोटे छोटे छेद किए गए। अगर ओपन करेगा तो इस साइड में भी दो छेद हो जाएंगे, और फिर इसको ऐसे ओपन करेगा तो ये चार छेद उधर भी हो जाएंगे। तो टोटल इसमें कितने छेद हो जाएंगे दोस्तों? टोटल इसमें आठ छेद हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी, ये सी आपका इसमें आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10 छेद नहीं होंगे, 8 छेद होंगे, और इसी प्रकार से होंगे। आप कागज़ का टुकड़ा लेकर भी कर सकते हो दोस्तों। अब ये देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन, उस वन आरेख को चयन करिए दिए गए वर्गों के बीच में संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, नवजात शिशु, पुरुष और पिता। तो दोस्तों जितने भी आप इसमें खास बात देखिए कि जो पुरुष होता है वो पिता हो सकता है, मतलब जितने भी पुरुष है वो पिता हो सकते हैं, लेकिन क्या नवजात पिता हो सकता है? नवजात पिता नहीं हो सकता दोस्तों। देखिए ये मान लीजिए अगर ये पूरे पुरुष है तो पुरुष तो पिता होंगे, यानी जितने भी पिता है वो पुरुष है, लेकिन क्या नवजात पुरुष तो हो सकता है लेकिन पिता नहीं हो सकता। तो इसका क्या हो सकता है? इस प्रकार वाला, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि नवजात है वो पिता नहीं हो सकता, बाकी वो पुरुष या महिला तो हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 68 छात्रों के एक बैच में 26 छात्रों दो में से किसी भी खेल यानी क्रिकेट और स्क्वैश नहीं खेल भाग नहीं लेते हैं, 17 छात्र केवल क्रिकेट खेलते हैं, 24 छात्र क्रिकेट और स्क्वैश में भाग लेते हैं, केवल स्क्वैश में कितने छात्र भाग लेते हैं? टोटल दोस्तों इसमें एक मिसप्रिंट हुई है, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 26 लिखा हुआ है लेकिन ये टोटल 23 है, ऊपर आप इंग्लिश वाले में देखेंगे तो 23 है दोस्तों। तो क्या बताया, 68 छात्र है, यानी टोटल 68 छात्र है, इनमें से 26 तो कोई भी खेल नहीं खेलते, तो बचे कितने? 23 नहीं खेलते, ऊपर 23 है ना, तो 23 नहीं खेलते तो कितने बच गए? 45, यानी 45 बच्चे हैं ये खेलते हैं, इनमें से 24 क्या करते हैं? दोनों खेलते हैं, 45 में से 24 दोनों खेलते हैं, 24 इसमें से आप माइनस कर लीजिए, 45 में से अगर आप 24 माइनस करोगे तो दोस्तों कितने बच जाएंगे? 21 बच के 21 में से 17 केवल क्रिकेट में भाग लेते हैं, यानी 17 केवल क्रिकेट में भाग लेते हैं, तो माइनस 17 बच गए कितने दोस्तों? 4, तो 4 केवल इसके खेलते हैं दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में। स्काई ब्लू को 815 लिखा जाता है, स्काई ब्लू एंड रेड को 725 लिखा जाता है, राम लाइक्स रेड 203 लिखा जाता है, सीता एंड राम को 379 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में राम लाइक्स ब्लू, इसको क्या लिखेंगे? देखो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपने काफ़ी देखे होंगे, अगर नहीं भी देखेंगे तो आप सीख जाओगे। एक सेकेंड में एक क्वेश्चन कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, आप बने रहिए। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों, स्काई ब्लू वो इसमें भी स्काई ब्लू है, इसमें एक रेड भी है, लेकिन स्काई ब्लू इसमें है और इसमें 815 है और इसमें 725। तो देखिए इसमें कॉमन वर्ड क्या है? स्काई ब्लू। इसमें भी कॉमन वर्ड क्या है दोस्तों? स्काई और ब्लू, ये दोनों एक साथ वर्ड ले लीजिए या कॉमन वर्ड ले लीजिए। तो इसमें ये 5 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन, यानी स्काई या ब्लू के लिए 5 नंबर। इसमें भी रेड है, इसमें भी रेड है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या है दोस्तों? 2 नंबर इसमें भी है और 2 नंबर इसमें भी है। अगर आप लिख के करोगे तो इजीली आप सामने लिख सकते हो और पहचान सकते हो। यानी रेड के लिए क्या हो गया? रेड के लिए हो गया 2, ठीक है, ब्लू के लिए हो गया 5, क्योंकि स्काई ब्लू है तो ब्लू के लिए आप लिख सकते हो, ब्लू के लिए हो गया 5। अब क्या बच गया आपको बताना है किसका? लाइक्स ब्लू, तो राम का पता करना है। देखो सीता और राम के लिए इसमें क्या है? राम लाइक्स रेड, तो 203 है। इसमें सीता और राम, तो राम दोनों में कॉमन है, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 3 नंबर, यानी राम के लिए 3। तो दोस्तों 3, 5 और इसमें क्या पूछा है? लाइक्स। अब आपको लाइक्स के लिए पता करना है कि लाइक्स के लिए क्या आएगा। तो देखिए इसमें भी लाइक्स है और इसमें भी, लास्ट वाला है, इसमें भी लाइक्स है, लाइक्स के लिए क्या बच गया? 0। तो यानी 3, 5 और 0 जिसमें है वो राइट है, 3, 5, 0 सी, ये राइट हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। अब आगे के जो 10 क्वेश्चन है वो हम अगले में देखेंगे दोस्तों।